राजस्थान में कोई उठापटक नहीं चल रही है, राजस्थान में स्थायी सरकार है। हमारे पास जो संख्या बल है वो मजबूत है, लगभग 124-125 हमारे पास विधायक हैं। मजबूती सरकार चलेगी और मजबूती से राजस्थान की सरकार काम कर रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई है, चिरंजीवी जैसी योजना विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 70-75-80% लोग हैं वो बिल्कुल फ्री में चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उनको मात्र 850 रुपया प्रीमियम देकर के पूरे परिवार के लोगों का बीमा जैसी जो सुविधा है, जैसी जो योजना है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। राजस्थान के अंदर गाँवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके जो सौगात दी है, इस तरह की योजना कहीं भी देखने को नहीं मिलती। ओबीएस ओल्ड पेंशन योजना लागू करके जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, ऐसी योजना कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इस तरह से बहुत से रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने कायम किए हैं, राजस्थान की जनता भी इस बात को समझती है, इसलिए मजबूती से सरकार भी चलेगी और सरकार दोहराएगी। सर शहरों में ये योजना है और शहरों में भी खुलेंगे, चल रही है। तो अभी कौन सी योजना बंद हो गई? अभी पीछे जो मनरेगा थी वो सिर्फ ग्रामीण के अंदर थी, लेकिन राजस्थान ऐसे एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शहर के अंदर भी इस तरह की रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन का काम किया है और जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल वो शहरों में भी खुलेंगे। देखो, राजस्थान में अच्छे काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राजस्थान की सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी राजस्थान में ऊपर के लेवल का मामला है वो जाने, लेकिन राजस्थान के आज लगभग 4 साल व्यतीत होने हो जाने के बाद भी कोई भी सरकार के खिलाफ एमएससी नहीं है और बहुत मजबूत काम है वो राजस्थान में चल रहा है। अच्छी योजनाएँ राजस्थान की सरकार है वो दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश बांध करके काम किया। राजस्थान के दिग्गज नेता बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी के क्षेत्र में आए, उनके लिए क्या कहना है आपका? बाड़ी विधायक हमारे पुराने साथी हैं। 2008 में आपने बसपा से चुनाव लड़ा, उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष था। आज आप तीसरी बार विधायक हैं और जब तीसरी बार विधायक हैं तो ये साबित हो रहा है कि बाड़ी की जनता ने किस तरह से प्यार और स्नेह इनको दिया, इन्होंने भी बाड़ी की जनता का किस तरह से ध्यान रखा है। तो ये हमारे मजबूत नेता है और मजबूती से काम कर रहे हैं।